हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और थोड़ी थकी हुई हूँ क्योंकि हम आपको बताए था कि हम लोग जा रहे बिहार बाय रोड। आपने हमारे पहले वाले वीडियो में तो देखा ही होगा, हमने आधा सफ़र वहीं पर पूरा कर लिया और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आ रही हूँ आज। आधा हम गाजीपुर तक तो कल ही आ गए थे और अब जा रहे हैं गाजीपुर से हम पटना बिहार, पटना से भी बहुत आगे भागलपुर। तो आज का सफ़र, हम आधा बचा हुआ सफ़र आज हम कंप्लीट करते हैं। और ये यहाँ पर मेरा भाई सारा सामान उमान निकाल रहे हैं। हम लोग रात में गाजीपुर में होटल में रुके थे रेस्ट करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हम होटल लेके रात में रुक गए थे। और अब सुबह के बज रहे हैं 6, अब हम यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कि घर तक कितने बजे शाम तक पहुँच पाते हैं। कि मम्मी सारा सामान निकाल रहे हैं, मैं भी इनकी हेल्प कर देती हूँ फटाफट और गाड़ी में बैठ के हम निकलते हैं। देखिए गाइस, पटना के बाद पटना हम घुसे हैं जस्ट और इतना भयंकर वाला जाम लगा। और मैप पे देखिए पूरा लग रहा है बहुत लंबा जाम, पूरा रेड है, ये पूरी लाइन रेड है। 2 घंटे से ज़्यादा तो लग ही रहा मुझे, हम इस जाम में फंसेंगे सिर्फ पटना से बाहर निकलने में। यहाँ मम्मी सो गई है, प्रीति भी सो रही है, रवि भी बेचारा परेशान हो रहा है और जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। घंटा तो हो गया मैं यहाँ खड़े खड़े का, अब खुलेगा जाम, अब खुलेगा, खुल ही नहीं रहे। धूप में हम पागल हो गए हैं। सो गाइस, हम लोग पटना से निकल गए, 2 घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद हम निकले हैं पटना से और अभी हम बिहार घुस चुके हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, पटना से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और अभी शाम हो चुका है और यहाँ पे हम बख्तियारपुर ना, और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं वो है चाय का स्टॉल छोटा सा, तो वहाँ पे अभी हम चाय पियेंगे, मम्मी को चाय पीना है और फिर हम निकल जाएंगे घर की ओर। अभी हम पहुंच नहीं पाएंगे तो रात में एक जगह और रुकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से इतना लेट हो गया कि हम घर जा ही नहीं पाएंगे आज रात में, तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम बीच में रुकेंगे एक जगह, हमारे रिलेटिव में लगता है दीदी वगैरह उनके घर रुकेंगे और फिर सुबह सुबह निकलेंगे वहाँ से। तो कल तो पहुँचना ही पहुँचना, कल तो पहुँच ही जाएंगे दोपहर तक, तो पहुँच ही जाएंगे। देखिए रवि लेके आ रहा है चाय, कितना चाय ले लिया? अच्छा अच्छा डबल डबल कप में है। तो ये देखिए गाइस, चाय डबल डबल कप में है ताकि गर्म ना लगे। और उधर मम्मी भी चाय ले ली है, मम्मी भी चाय पिएगी और हम दोनों भी पियेंगे चाय। और चाय पी के आधा घंटा रेस्ट करने के बाद रवि थोड़ा रेस्ट कर लेगा क्योंकि वो गाड़ी चला चला के थक गया है, गाड़ी चला चला के थक गया तो थोड़ा देर रेस्ट करेगा, फिर हम चलेंगे यहाँ से तो सीधा दीदी के घर ही जाकर रुकेंगे। ये भी लेंगे चाय और बिहार घुसते के साथ ही जहाँ गाड़ी रोको वहाँ पे खाली भी भोजपुरी गाने सुनने को मिलते हैं। चाय गिर जाएगा, गेट बंद करेगा पहले पी ले। सो गाइस, हम बीच में थोड़ा देर रवि रेस्ट करने के लिए रुका है और हम लोग यहाँ जंगलों में आ गए, जंगलों के बीच में मैं और प्रीति। देखिए गाइस, इस पेड़ में ना कितने छोटे से आम लगे हुए हैं, छोटे से पौधे पे इतने सारे आम लगे हुए हैं और इसने ना एक आम तोड़ लिया। छोटे से पेड़ में लगा कैसे आम? अब मत तोड़िए प्रीति, कच्चा आम है, प्लीज नहीं तोड़ूंगी यार, एक ही है। उसको छुपा जेब में डाल, निकलने वाला निकल ही जाता है। और ये देखिए गाइस, गाँव की हरियाली, मजा ही आ जाता है गाँव में आने के बाद ना, एक चीज तो सुकून। हाँ, टहनी पे है उसके, सुकून बहुत मिलता है, वो ठंडी ठंडी हवा और शाम को मजा ही आ जाता है। थोड़ी देर के लिए रवि रेस्ट करने के लिए रुका हुआ है, हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया है वो गाड़ी चलाते चलाते। और यहाँ पे पटना के बाद तो इतने रुक रुक के चलना होता है ना क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ज्यादा, चल बुला रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना यहाँ पे। तोरी का
तोरी, भुट्टे, पपीता, आम, हर चीज का पेड़ लगा हुआ है। हम लोग इधर आ गए तो उसको टेंशन हो रहा, तो हॉर्न बजा बजा के बुला रहा है, तो हम जाते हैं। इतने सारे पेड़, अब कल पहुंच जाएंगे हम अपने असली जगह पे जहाँ और मजा आने वाला है। इतना मजा आ रहा है ना, अमरूद भी लगे हुए हैं बट अभी छोटा छोटा कच्चा है। मजा आ रहा है। तो देखिए यहाँ रास्ते में हर जगह सिर्फ शादियों का ही ऐसे बराती और लोग मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा शादियाँ चल रही है इस टाइम की। हर तो गाइस हम रात में आए और इतना ज़्यादा थक गए थे, हम सो गए और दीदी के घर पे, और अभी वहाँ सब बैठे हुए हैं। वो बड़ी मम्मी है, पीछे दीदी सब बैठे हुए हैं, और रात भर पूरी बातचीत हुई, मज़ा आ गया। अभी भी मैं आपको उन सबसे मिलवाती हूँ। ये गाइस यार दीदी सब ना मम्मी की शादी की कहानियाँ बता रही है। हम तो घोड़ा पर जो चढ़ के गए लगे कि नदी में न चल जाए, बहुत डर डर से हम ऊ पार होते थे। बहुत हमको डर धमनी में सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब दीदी के घर से, और हम 3-4 घंटे में अब पहुंच जाएंगे घर अपने, जहाँ हमको जाना था नानी के घर वहां पहुंच जाएंगे। तो रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए खा पी के सो गए थे, और फिर बात बात करने में भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना कि फटाफट हम सो ही गए थे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें।